हाँ तो गैस, स्टार उत्सव चैनल डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आएगा, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया। 2K सब्सक्राइबर स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं एकदम धुआंधार बारिश के साथ और चिली। हम बात कर लेते हैं स्टार उत्सव चैनल के बारे में। स्टार उत्सव जो चैनल है उसके बारे में आपको पता है कि जो कुछ साल पहले अपना डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म को छोड़कर चला गया है, जिसके चलते हमें बहुत ही कम मनोरंजन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इसके जो सीरियल्स है बाकी चैनल्स पर देखने को मिल जाते हैं। सोनी पल के भी कुछ सीरियल्स है जो कि बाकी चैनल्स पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही बाकी चैनल्स के भी सीरियल बाकी चैनल पर, मतलब डी डी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर अभी जो चैनल चल रहे उन पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गाइस, क्या स्टार उत्सव चैनल TRP गिरने के बाद भी क्या डी डी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आएगा? ये सोचने वाली बात नहीं है। तो देखिए गाइस, हमारे जो सूत्रों ने खबर दी है कि स्टार उत्सव चैनल कभी नहीं आएगा डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर, स्टार उत्सव चैनल कभी नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों कहा है इसकी वजह जान लो। पहला तो प्रॉब्लम इनका ये है कि जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राइस में बढ़ोतरी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, ट्राई कार्ड नियम। सबसे बड़ा तो खतरा वही है, ट्राई कार्ड नियम। अगर ये चैनल गलती से भी अगर डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं ना, डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर, तो शायद ट्राई क्या कर देगा पता नहीं। इसी के चलते ये नहीं आ रहे। आज के वीडियो में तो इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार मत करना। कल ही वीडियो आ रहा है 9 बजे, उसको जाकर जरूर देखना। और आज की जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।